नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी से रिलेटेड। भाई देखिए, आदमी इतने भयंकर दिमाग लगाते हैं कमाने के लिए कि भाई कैसे भी करके साम दाम दंड भेद पैसा कमाना है, चाहे इलीगल हो या इलीगल हो। अब लीगल तरीके से तो कमाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इलीगल तरीके से अगर कोई पैसा कमाने की सोचता है, हाँ थोड़े टाइम कमा सकता है, थोड़े टाइम जब तक उसका भंडाफोड़ ना हो जाए। हम बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड। वहां पे एक गिरोह था और गिरोह का देखिए दिमाग कितना शातिर उन्होंने लगाया कि वो लोग पुराने वर्करों को निकाल देते, नए वर्करों को भेजते, फिर लूटमार करते। ऐसा कुछ मैटर निकल के आया सऊदी में। जी हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया। मैं तस्वीर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कौन सी कंट्री के थे, इससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, भाई फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्री सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सऊदी एजेंसी खबर एजेंसी के मुताबिक चार लोगों के ग्रुप को पकड़ा गया है। ये लोग क्या करते थे, इन्होंने एक ग्रुप सेटिंग कर रखी थी। ये लोग अलग अलग देशों के थे। उन्होंने क्या कर रखा था कि मान लीजिए किसी अपने पास उनके पास लोग होते थे, मान लीजिए मेरे पास वहां पे 10 वर्कर हैं, मैंने अलग अलग लोगों को सेटिंग कर रखा था, वहां से उन लोगों को भगा देते कि आप छुट्टी करो, आप भाग जाओ। अब अचानक से एक घर के अंदर से नौकर भाग जाता है तो उसको दूसरे वर्कर की जरूरत पड़ती है, फिर वहां वो दोबारा उनसे कॉन्टेक्ट करते घर के मालिक से, शेख से, रबाब से, और बोलते हमारे पास वर्कर है, आप चाहो तो ले सकते हो, अस्थायी तौर पर वो दे देते। तो वो फिर क्या करते, अपने लोगों को वहां पे भेज देते, फिर वहां से चोरी करवाते। जी हाँ साथियों, अब कितनी बड़ी बात है कि ये सीरियाई लोग हैं, सीरिया के रहने वाले लोग थे जो खुद भी मतलब ऐसे ही हैं, आपको पता ही है। फिर ये अपना दिमाग लगा के वहां पुराने लोगों को भगाना, नए लोगों को सेटल करना, पुराने लोग इनके पास वापस आ जाते थे, उन्हीं को फिर वे दूसरी जगह भेज देते थे। इन्होंने अपना एक धंधा सेट कर रखा था, बाकायदा मैं सोशल मीडिया पे भी डाल रखा था। इन्होंने एक कंपनी की तरह काम करते थे, एक सप्लायर कंपनी होती है ना, रजिस्टर्ड मैन पावर एजेंसी होती है कि भाई फलाने को 10 आदमी देने हैं, हाँ जी दे दो, अपनी कंपनी के नाम से उनको 20 देने दे दो। इस तरह से ये लोग बड़ा गेम कर रहे थे। जब इनको पुलिस ने, आपको पता है, शिकायत हुई, पकड़ा गया, तो 7 लोगों को उनको उनके पास से बरामद किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो अलग अलग देशों के थे। हालांकि इनके मास्टरमाइंड सीरियाई लोग थे, बाकी वो जो इनको सप्लाई देते थे वो अलग अलग कंट्री के वर्कर बताए गए। इन गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आपको पता है कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इनका नेटवर्क देखिए कितना बढ़िया था, सिस्टम ठीक था, साथ में हो सके तो सामान भी लेके आओ, चोरी का प्लान बना लिया, 10 लोग वहां अलग अलग भेज दिए, उनका पैसा ले लिया, फिर वो उनको बोल देते आप भाग जाते, तो वो बिना बताए मालिक को भाग जाते, फिर उनके पास वापस आ जाते। ठीक है, तो उनसे पैसा ले लिया, वो भाग गए तो वो बेचारा कहां छानबीन करता फिरेगा, ये फिर दोबारा दूसरे वर्कर उनको दे देते अलग अलग तरीके से, यानी पैसा कमाने का एक जरिया था। आजकल आपको पता है वहां पे कोई प्रॉब्लम भी चल रही है वर्करों की, क्योंकि वीजा इनके एक्सपायर हो गए, तो इस तरह से लोग अपना अपना दिमाग लगा के पैसा कमाने की सोचते हैं। अभी गए सलाखों के पीछे, लंबे टाइम तक रहेंगे, ब्लैक लिस्ट होंगे लाइफ टाइम और अपने अपने देश चले जाएंगे, बस खेल खत्म। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसा कोई भी बिल्कुल गलत काम न करें जिसको आपको जान में जोखिम आपको डालना पड़े। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।